फ्रेंड्स फाइनली लेते हैं यहाँ से देसी चिकन और फटाफट चलते हैं घर। तो यहाँ से लेते हैं देसी मुर्गा। फ्रेंड्स ये हमारा देसी चिकन जो बनने जा रहा है, सारे मसाले और प्याज के साथ मिक्स हो चुका है और कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें भी डाल दिए हैं तेल और जैसे ही तेल गर्म तो ये देखो फ्रेंड्स, आधे घंटे के बाद फ्राई करते करते चिकन की स्थिति ये है। दिख रहा है ना भाई साहब, एकदम मसालेदार। मुझे निकलना भी है काम से और मम्मा बेटू खा के टेस्ट करके बताएंगे आप लोग को। आज मेरे हाथ का वो टेस्ट करके आप लोग को जेन्युइन रिव्यू देंगे कैसा बना है। तो चलिए ये लोग टेस्ट करेंगे। फ्रेंड देसी चिकन है, पहली बार घर में बना है, तो खाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। सभी को नमस्कार जोहार। फ्रेंड्स है ठंडी का मौसम, जैसा कि पिछला ब्लॉग में देखा था मामा की आवाज़ तबीयत खराब है, डगमाडोल है, बाबू ने बहुत सारा काम किया, चाय वाय बना के पिलाया। तो आज मैं घर पे थोड़ा जल्दी आ गया बट फिर से मेरे को निकलना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मामा के लिए लेके आता हूँ, थोड़ा सा उसको ठंड ज़्यादा लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो लेके आता हूँ देसी चिकन और बनाता हूँ और फिर आपको भी दिखाएंगे कैसे क्या बन रहा है। तो चलिए, फर्स्ट टाइम मेरे को लग रहा है देसी चिकन घर में बनाए जा रहे हैं एकदम नॉर्मल तरीके, प्योर देसी देहाती स्टाइल में। तो आइए और पहले तो चिकन लाने चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको रेसिपी। फ्रेंड्स फाइनली लेते हैं यहाँ से देसी चिकन और फटाफट चलते हैं घर। तो यहाँ से लेते हैं देसी मुर्गा। यही अच्छा लगता है एकदम पास से। रुको अभी और पास से लूंगा। फ्रेंड्स आज सारे बागडोर मेरे हाथ में है। तो ये चिकन ले आया 750 ग्राम मात्र और इसको वॉश कर लिया है। यहाँ पे प्याज कटिंग हो गया है, दो अपना बढ़िया वाला एकदम रसमलाई रेडी है जाने के लिए, एक छोटा टोमेटो, तीन हरी मिर्ची कटा हुआ और यहाँ पे सारे मसाले, धनिया हो गया आपका, हल्दी, नमक, चिकन मसाला, मिर्च पाउडर सिर्फ इसमें ऐड करेंगे हम ऊपर से, गरम मसाला लास्ट में और अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये रहा खड़ा मसाला इधर हमारा, ये भी रेडी है। तो फटाफट से इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक साथ मिक्स करके कढ़ाई में चढ़ा देंगे। तो चलिए फटाफट से रेडी करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा देसी चिकन जो बनने जा रहा है, सारे मसालों और प्याज के साथ मिक्स हो चुका है और कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें भी डाल दिए हैं तेल और जैसे ही तेल गर्म होता है, ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे मिर्चा और गर्म मसाला। फ्रेंड्स कढ़ाई में अच्छे तरीके से ऑयल गर्म होने के बाद उसमें हरी मिर्ची और गर्म मसाला डाल दिए थे और वापस से इसमें अपना चिकन भी डाला गया। और ये देखिए बस एकदम लो फ्लेम में इसको ढक ढक के पकाएंगे। अकेले शूट कर रहे हैं तो सब चीज़ नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। तो ये देखिए सब कुछ चला गया बढ़िया से, अब इसको ढक ढक के पकाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे 10 मिनट के बाद इसको ओपन करके चलाए हैं और अभी क्या स्थिति है, स्थिति तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है और मतलब कि टाइम लगेगा देसी चिकन है बनने में तो, बट कलर काफ़ी खूबसूरत आना शुरू हो गया ये देखिए। और फाइनली फ्रेंड्स अपना ये डाल देते हैं मस्त मस्त रसमलाई और इसे मिला देते हैं। यही तो मेन चीज़ है, इस ये नहीं खाया तो आदमी क्या खाया। थोड़ा सा इसमें अकेले बना रहा हूँ ना इसलिए थोड़ा सा। फ्रेंड्स ये देखिए 15 मिनट के बाद फिर ओपन करके चलाए हैं और देखिए पानी काफ़ी छोड़ा है, प्याज और सूख भी गया है और इसी तरह ढक ढक के पका रहे हैं क्योंकि देसी मुर्गा
देहाती मुर्गा पकने में टाइम लगता है। ये देखिए मस्त कलर, मस्त, और जो इसका जो एरोमा आ रहा है ना, जो सुगंध आ रहा है वो अल्टीमेट आ रहा है। बट मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप वीडियो देख के समझ सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। तो इसको ढक के फिर पकने देते हैं, फिर 15 मिनट बाद चलाएंगे। तो ये देखो फ्रेंड्स, आधे घंटे के बाद फ्राई करते करते चिकन की स्थिति ये है, दिख रहा है ना भाई साहब, एकदम मसालेदार टेस्टी देहाती देसी चिकन, ये देखो आप फ्रेंड्स। ये देखिए ऑलमोस्ट हो चुका है डन। अब इसमें आ गया है बारी पानी मिलाने का, इसमें मिलाते हैं जितना ज़रूरत है इतना पानी। और आप दोनों तरीके, तीनों तरीके, चार तरीके से खा सकते हैं। बोलने का मतलब है राइस हो गया, पराठा हो गया, कचौड़ी हो गया, रोटी हो गया, पूड़ी हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्याज भी गल चुका है और कलर काफ़ी खूबसूरत आया है। तो पानी डालने के बाद फ्रेंड्स फाइनली अपना सबका प्यारा मनपसंद ये गया, हल्का गरम मसाला पाउडर, ये देखिए बस, ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं। और फिर से इसको ढक देते हैं 15 मिनट के लिए और उसके बाद खाने के लिए हो जाएगा रेडी। फ्रेंड्स फाइनली आइए देखते हैं, हमारा हो चुका है टाइम ओवर, गैस एकदम सिम पे है और देखते हैं क्या सिचुएशन, स्थिति, कंडीशन है हमारे देसी चिकन। ओह भाई साहब कलर देखो आप, ओह हो, मुंह में तो पानी आ रहा होगा फ्रेंड्स। ये देखो आप, बना भी बहुत खूबसूरत है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, वाह। अब गला वाला कैसा है वो देखा जाए। बहुत गर्म है भाई साहब, गल गया भाई साहब बढ़िया से एकदम। तो फ्रेंड्स फाइनली हो चुका है ये बढ़िया एकदम मक्खन वाला एकदम देहाती स्टाइल देसी चिकन, और सब कुछ बढ़िया गल गया है। अब फाइनली फ्रेंड्स इसमें डालते हैं पूरा एकदम बढ़िया से, ये देखिए ये गया भाई साहब धनिया पत्ता, ये देखिए, और ये हमारा हो चुका है देहाती स्टाइल देसी चिकन रेडी। और अब करते हैं टेस्ट। फ्रेंड्स आज मैं टेस्ट नहीं करने वाला हूँ, आज करेगी मम्मा और बेटू, क्योंकि मेरे को निकलना भी है काम से, मुझे निकलना भी है काम से, और मम्मा बेटू खा के टेस्ट करके बताएंगे आप लोग को। आज मेरे हाथ का वो टेस्ट करके आप लोग को जेन्युइन रिव्यू देंगे कैसा बना है। तो चलिए ये लोग टेस्ट करेंगे, मैं निकलता हूँ काम पर, फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये आज बना है देसी चिकन और ये है चावल, मैं आते बैठ ठीक नहीं था तो डैडी बनाया, डैडी बोले कि बनाएंगे तो देसी चिकन, नॉर्मल नहीं बनाएंगे, तो आज देसी चिकन लेके आए हैं। तो ये बन गया, ये मैं बेटू के लिए निकाली हूँ खाना। तो ये रहा मेरा बेटू, ये रेडी है खाने के लिए। तो बताओ कैसा है टेस्ट। चावल के साथ ग्रेवी खाना है। बोले तो किंग ग्रेवी लगा लिए हैं फ्रेंड्स, देसी चिकन है, पहली बार घर में बना है तो खाता हूँ। अच्छा है, हल्का हल्का मटन जैसे टेस्ट आ रहा है ग्रेवी में। हाँ डैडी बोले थे कि थोड़ा सा ना मतलब हार्ड होता है इसका मीट, टेस्ट भी हल्का वैसा है, टेस्ट भी वैसा है, मस्त है। डैडी के हाथ का चिकन है, हाँ मटन भी है चिकन भी है मटन चिकन जैसे, ये एक बार और खाते हैं तो इसमें ना इस बार हम लोग सब खाएंगे जो भी प्लेट में, जैसे कि रुको
आज आज पता है क्या हो गया, जो देसी चिकन है वो चिकन है डैडी के हाथ का बना हुआ, और चावल जो है वो मम्मा के हाथ का बना हुआ है। देखो मैंने ये मीट लिए, चावल के अंदर डाले, ग्रेवी भी लगा, ये प्याज भी इसी के अंदर डाले और खाएंगे। अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स बेटू ने तो दिखा दिया टेस्ट करके, डैडी तो बाहर गए हैं, डैडी का मीटिंग है तो डैडी बाहर गए हैं, बिजी है। तो अब मैं दिखाती हूँ, मैं भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा टेस्ट करके मुझे कैसा लगा, है ना? हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स बेटू ने तो दिखा दिया टेस्ट करके, अब मैं दिखाती हूँ। पहली बार बनाई ये देसी चिकन, डैडी को ना बहुत पसंद है और इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है बनाने में, तो डैडी बना दिए थे। तो फ्रेंड्स ये ली मैं चिकन, और ये यहाँ पे ग्रेवी लगा हुआ है चावल में। तो मैं जल्दी खा के बताओ, खा के बताती हूँ। अच्छा टेस्ट है सही में इसका, ये ना बहुत थोड़ा सा हार्ड लग रहा है क्योंकि मटन जैसे ही बोले थे डैडी के, मटन जैसा ही होता है। तो अच्छा लगा इसका टेस्ट, टेस्ट अच्छा है, पर ये है कि नॉर्मल चिकन जल्दी बन भी जाता है और सॉफ्ट भी बहुत होता है, और ये थोड़ा सा हार्ड है मटन के जैसा, लेकिन अच्छा, लेकिन टेस्ट अच्छा है, चटपटा बनाया डैडी, बहुत टेस्टी बनाया। मैं तो ठीक नहीं था ना, तो इसलिए डैडी को बनाना पड़ा। तो मुझे तो अच्छा लगा फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का ये वाला रेसिपी अच्छा लगा देसी चिकन का, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।